हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे सिंपल ब्यूटीफुल सॉफ्ट और स्पंजी ये कस्टर्ड केक जो दुनिया का सबसे आसान केक है। हेलो दोस्तों, माधवीज किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे बिना एग, बिना ओवन, बिना कंडेंस मिल्क, बिना बेकिंग सोडा, बिना बटर, बिना वेनिला एसेंस के ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी कस्टर्ड केक जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है स्पेशली। और ये बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है इसे। आइए झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही अमेजिंग सा केक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी। ये कप मैंने लिया है 200 ml का और इसी से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करूंगी। तो चीनी को सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए पाउडर शुगर खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से, आप चीनी को इजीली ग्राइंड कर सकते हैं घर पे, तो पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए हमारा पाउडर शुगर रेडी है। तो आइए सबसे पहले हम केकटिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल केकटिन में। ये केकटिन मैंने 8 इंच डायमीटर वाला केकटिन लिया है। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, इसमें फैला लेंगे केकटिन में चारों तरफ। आप चाहें तो केकटिन की जगह में कोई भी इस तरह का बर्तन जो आपके घर में अवेलेबल है ले सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल चारों तरफ अच्छे से मैंने फैला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और मैदे को भी चारों तरफ अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो केकटिन में जो ऑयल हमने लगाया था उसके ऊपर एक मैदे की लेयर आ जाती है, जिससे केक केकटिन में चिपकता नहीं है। और जो एक्स्ट्रा मैदा ये है इसे हम हटा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं केकटिन हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम लेंगे इसमें कटी हुई चेरीज। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और चेरी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। आइए अब हम एक पैन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम प्रीहीट होने देंगे। और तब तक हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रही हूँ क्योंकि ये एकदम सिंपल केक है। और इसमें डालेंगे हमने जो पाउडर्ड शुगर बनाया था अभी, तो वो सारा शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम इस तरह से विस्क करेंगे करीब 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा ये ऑयल और शुगर का मिक्सचर है एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये करीब 5 मिनट के लिए मैंने इसे विस्क किया है, तो ये मिक्सचर एकदम लाइट हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे एक स्ट्रेनर इस तरह का और इसमें लेंगे हम 1.5 कप मैदा। ये मैंने 1 कप लिया और ये 1/2 कप मैदा। और इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब कस्टर्ड पाउडर। ये आपको कहीं भी किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। ये येलो वाला कस्टर्ड पाउडर है और ये वनीला फ्लेवर का होता है। तो इन सारी चीजों को हम इस तरह से छन्नी से छानकर और ऑयल और जो शुगर का मिक्सचर हमने रखा था उसमें डालेंगे। देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध एकदम ठंडा दूध हमें यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि गर्म दूध यूज करेंगे तो हमने जो कस्टर्ड पाउडर डाला था वो लम्स बन जाएगा और बैटर हमारा स्मूथ नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम ठंडा दूध यूज करेंगे और इन सारी चीजों को हम इस तरह से मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर हमें बनाना है जिसमें बिल्कुल भी लम्प नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा बैटर इस तरह का बना है। तो ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही मिल्क डालें। बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाना है ताकि जो एयर है वो बैटर में मिक्स हो जाए और इससे बैटर हमारा बहुत ही फ्लफी बनेगा और जो हमारा केक बनेगा वो भी एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे जो कटी हुई चेरी हमने मैदे में मिलाकर रखी थी। और चेरी में मैदे को मिला देने से क्या होता है ना, जो चेरी है हमारी वो केक के नीचे बैठती नहीं है। तो ये हमारा बैटर रेडी है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बना है। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अब हम बैटर को केक टिन में डाल देंगे। बिना बटर पेपर के हम आराम से बहुत ही अच्छा सा केक बना सकते हैं।
बहुत सारे व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि इसमें बटर पेपर यूज करना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, बिना बटर पेपर के भी आप अच्छा केक बना सकते हैं। तो इस केकटिन को हम टैप कर लेंगे 2-3 बार और केकटिन को हम रख देंगे जो पैन हमने प्रीहीट किया था। तो ये केक थोड़ा प्लेन लग रहा है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चेरीज डाल देते हैं ताकि ये और भी सुंदर दिखे। बहुत ही अच्छा कलर है येलो कलर, ये खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही प्यारा कलर लगता है। तो इसे हम ढककर बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। और केक को कभी भी हाई फ्लेम में मत पकाइए क्योंकि केक नीचे से जल सकता है, इसलिए हमें फ्लेम स्लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। और केक को बीच बीच में आप 10 मिनट पर हमेशा चेक करते रहें। और अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे बेक कीजिए 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। तो ये देखिए, करीब 40 मिनट के बाद ये हमारा केक कुछ इस तरह का हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा नाइफ से। ये देखिए, नाइफ भी क्लीन है, मतलब हमारा केक अच्छी तरह से पक चुका है। और अगर आपका नाइफ क्लीन नहीं है तो इसे ढककर इसे 5 से 10 मिनट के लिए और पकाइए, तो केक आपका रेडी हो जाएगा। केक को हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से केक टिन से। तो इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे। ये देखिए, हमारा केक पूरा निकल आया। देखा आपने कि ये केक पैन में चिपका नहीं है। तो आप बिना बटर पेपर के इस तरह से भी केक बना सकते हैं केक टिन में। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पंजी एकदम सॉफ्ट केक बना है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है केक का। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट केक है, आप देख सकते हैं। है ना, ये दुनिया का सबसे आसान सा केक, इसमें ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है और केक इतना सुंदर बनता है कि लोग देखते ही रह जाएंगे। और अब आप देखिए इसका टेक्सचर, वाओ कितना अच्छा केक है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम स्पंज की तरह है। और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, कितने इजी स्टेप्स में ये केक हमने बनाया, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले हैं, बहुत ही इजी केक है। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे पूछा था कि अगर वनीला एसेंस नहीं डालेंगे तो क्या केक नहीं बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वनीला एसेंस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और खासकर बच्चे तो इसे बहुत लाइक करते हैं, बच्चे तो देखते ही खुश हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।